हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेता राज फैमिली ब्लॉग। और आज आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या लेकर आई हूँ। तो आज फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर करूँगी सेम की फली कैसे अच्छे से साफ करते हैं। वैसे तो कोई भी सब्जी काटना या छीलना धोना बहुत आसान होता है, लेकिन कुछ फली कुछ सब्जियाँ ऐसी होती है कि अगर उन्हें ठीक से साफ ना किया जाए तो वो सही से साफ नहीं होती है। वैसे ही सेम की फली है। तो इसमें सेम की फली में क्या होता है, अगर ठीक से इसको नहीं काटेंगे तो इसमें नस रह जाती हैं, जो कि सब्जी पकने के बाद ना बहुत ज़्यादा वो चुभती हैं और दांत में भी आती हैं। तो आप जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही उसको काटिएगा तो आपकी बिल्कुल भी सब्जी में नस नहीं रहेगी। तो सेम की फली लीजिए और उसके चारों तरफ का जो हिस्सा है उसको किनारा किनारा काट दीजिए, क्योंकि इसके किनारे में ही नस होती है, जो कि गलने के बाद फली तो गल जाती है लेकिन जो इसकी नस होती है वो टाइट होती है, वो गलती नहीं है। तो आप इस तरह से इसको काटिए और इसको खोल के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फली के अंदर ना कीड़े निकलते हैं और सर्दी हो चाहे गर्मी हो इस फली में कीड़े हमेशा होते ही हैं, और लाल चींटियाँ भी हो जाती हैं कभी कभी इसमें, क्योंकि इसका बीज थोड़ा मीठा होता है जो कच्चा होता है। तो आप इस तरह से इस फली को काटिए तो अच्छे से साफ हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।